भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जींद रैली के लिए फतेहाबाद में 10,000 बाइकों का रजिस्ट्रेशन शुरू। फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष वेद फुला की अगुवाई में शुरू किया गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्वच्छता और यातायात नियमों की पालना की लिखित शपथ भी दिलाई जा रही है। वेद फुला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाइक रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी किया गया है ताकि यातायात नियमों की पालना और एक व्यवस्थित ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोटरसाइकिल यात्रा संभव हो सके। वेद फुला ने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की ओर से फतेहाबाद में संविधान महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कार्यक्रम के बाद कूड़ा करकट पार्क में ही फैला दिया गया और सुबह जब लोग सैर के लिए पार्क पहुंचे तो वहां लोगों को कूड़े का ढेर पड़ा मिला। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी हरियाणा प्रदेश में हर बूथ के ऊपर आने वाली 15 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की जो रैली जींद में होने जा रही है, वो रैली 1,11,000 मोटरसाइकिल कार्यकर्ताओं की रैली होगी और पूरे हिंदुस्तान की एक अनोखी रैली हरियाणा प्रदेश के अंदर जींद में होने वाली है 15 तारीख को। उसमें अनोखी रैली इसलिए कह सकते हैं कि इसमें सभी बड़े नेता हरियाणा प्रदेश के, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अमित शाह जी रोहतक से एक मोटरसाइकिलों का जत्था लेकर जींद पहुँचेंगे। हरियाणा प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी फतेहाबाद जिले से 10,000 मोटरसाइकिलों का एक यहाँ से जत्था लेकर जींद पहुँचेंगे। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी करनाल से खुद मोटरसाइकिलों का एक यात्रा पूरी लेकर के जींद पहुँचेंगे। यानी कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले से, हर विधानसभा से हजारों कार्यकर्ता जींद में पहुँच करके और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को सुनेंगे। आज हमने ठाकर बस्ती के यहाँ पर 30, 31, 32 और 47 नंबर बूथ के ऊपर रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाया, उसी विषय में हम तैयारी हेतु यहाँ आए हुए। आज ही शुरुआत की है, शाम तक पता लगेगा कि सभी बूथों पर कितना रजिस्ट्रेशन होगा। अभी यहाँ बैठे हैं तो कार्यकर्ताओं में, युवा साथियों में बड़ा जोश है, तो फतेहाबाद से हमने 10,000 मोटरसाइकिल की एक सोचा है, टारगेट भी 10,000 मोटरसाइकिल का करके चलेंगे, तो 10,000 प्लस ही होंगे, उससे कम नहीं होगा। ऐसा इसमें प्रदेश की तरफ से योजना बनी है कि जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जाएंगे उन वो बड़ा एक सूचीबद्ध होकर के और पूरा स्वच्छता का ध्यान रख करके हेलमेट पहन करके, तो ये फार्म हमारा है, इस फार्म में हम पूरी डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं और नीचे एक शपथ दिया हुआ है। उस शपथ में ये लिखा हुआ है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की रैली में माननीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए उसमें पहुंचूंगा, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते होते हेलमेट पहनकर वहां जाऊंगा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखूंगा, ऐसी मैं शपथ लेता हूं। उसके नीचे हम साइन भी करवा रहे हैं कि यानी कि कार्यक्रम भी हो और एक पूरा सुसंस्कृत कार्यक्रम हो जिसमें पूरा नियोजित हो, हर चीज़ की हमें जानकारी हो और जाने वाले कार्यकर्ता की सुरक्षा हो, उसकी पूरी ध्यान रखा जाए, कहाँ उसका मोटरसाइकिल पार्क होगा, कैसे वो जाएगा, यानी कि पूरी तैयारी के साथ में ऐसा हम कर रहे हैं। अभी थोड़ा दिन पहले यानी कि 28 तारीख को आपने देखा होगा कि पपैया पार्क के अंदर एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तंवर जी ने वहाँ एक कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करने के बाद में इतनी गंदगी वहाँ फैला दी कि सुबह जब लोग वहाँ पहुँचे तो पार्क में सबसे ज़्यादा गंदगी मिली। यानी कि मीडिया ने वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जैसा भी हो लेकिन वहाँ स्वच्छता का और आम जनमानस की सुविधा का ध्यान रखा जाए।